हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना और मैं आप सभी लोगों का मेरे चैनल अर्चना हेल्थ गैलरी में स्वागत करती हूं। आज हम डिस्कस करेंगे एसिडिटी एंड गैस के बारे में। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एसिडिटी एंड गैस होता क्या है, ये कहां से शुरू होता है, और बाद में हम इसके ट्रीटमेंट का भी पूरी जानकारी लेंगे, जिसके लिए आप सभी को मेरे वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहना होगा। आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। इस वीडियो में हम जानेंगे गैस पैदा करने वाली गलतियाँ जो आप शायद हर रोज कर रहे हैं, साथ ही आप जानेंगे हर गलती को सुधारने का तरीका। इनके सुधारने के तरीके के साथ 7 दिन के अंदर अंदर आपके गैस एंड एसिडिटी में आराम पाएंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि आखिरी में आप जानेंगे 3 बोनस टिप्स जो पहले आपको शायद किसी ने नहीं बताया होगा। फ्रेंड्स, बाहर से एसिडिटी एकदम नॉर्मल सी प्रॉब्लम लगती है, लेकिन एक्चुअली अगर आप अपने इस गैस एंड एसिडिटी की प्रॉब्लम को अभी तक नहीं सुलझाएं तो आगे चल के एक बड़ी डिजीज में कन्वर्ट हो सकती है, जैसे अल्सर, यहाँ तक कि कैंसर भी हो सकता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एसिडिटी के कारण क्या है। तो सबसे पहला कारण ये है नॉन वेजिटेरियन और स्पाइसी फूड का सेवन, स्मोकिंग और एल्कोहल का सेवन, तनाव लेना, पेट की बीमारियां जैसे पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, पेट में मरोड़ आदि, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जैसी दवाओं का सेवन, ये सारे वजहों से एसिडिटी का कारण बन सकता है। अब हम ये जानेंगे कि एसिडिटी के लक्षण कैसे होते हैं। एसिडिटी के समान संकेत और लक्षण कुछ इस प्रकार से देखने को मिल सकते हैं: पेट में जलन, गले में जलन, बेचैनी डकार आना, जी मिचलाना, मुंह का स्वाद खट्टा, स्वाद खट्टी डकार, कब्ज इत्यादि, ये सारे एसिडिटी के लक्षण हैं। इतना तो हम जान लिए कि एसिडिटी का रीजन क्या है और इसके लक्षण क्या है, और अब हम ये जानेंगे कि किन घरेलू नुस्खों से आप अपने एसिडिटी को दूर कर सकते हैं। सौंफ से एसिडिटी का इलाज आप कर सकते हैं। सौंफ पाचन तंत्र को ठीक करती है, इसलिए सौंफ का सेवन रोजाना खाने के बाद करना चाहिए, और जिन लोगों को अक्सर गैस होने की परेशानी होती है उनके लिए सौंफ फायदेमंद होता है। आधा गिलास ठंडे दूध और आधा गिलास पानी में 1 चम्मच पीसी हुई सौंफ एक चुटकी इलायची पाउडर के साथ मिलाकर इसका सेवन करें। खाना खाने के बाद इसका सेवन करने से आहार नली अच्छे से साफ हो जाती है और साथ ही साथ एसिडिटी भी दूर हो जाती है। अदरक के साथ भी आप घरेलू उपचार कर सकते हैं। अदरक पाचन तंत्र को सुधारने के लिए एक अचूक औषधि है। इससे सीने में जलन जैसी समस्याएं ठीक होती हैं। खाना खाने के बाद रोज अदरक और नींबू का 1 चम्मच रस पीने से गैस की समस्या ठीक हो जाती है। जीरा भी कर सकता है आपके पाचन तंत्र को मजबूत। जीरा में कई पोषक तत्व होते हैं, यह भी पाचन तंत्र के लिए एक बेहतर इलाज है। दही छाछ में जीरा पाउडर डालकर पीने से गैस की समस्याएं दूर होने लगती हैं। आप पपीते के द्वारा भी अपने पाचन तंत्र को ठीक कर सकते हैं। पपीता खाने से पेट के सभी विकार दूर होते हैं। पपीता का सेवन करने वाले व्यक्ति को भी कभी एसिडिटी की समस्या नहीं होती है और कब्ज की भी शिकायत नहीं होती है। आंवला खाने से भी आप एसिडिटी को दूर भगा सकते हैं। आंवला में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है, जिससे पाचन तंत्र प्रक्रिया में मदद मिलती है। सलाद भी पाचन तंत्र में अच्छा काम करता है। ककड़ी, टमाटर, प्याज, मूली और चुकंदर का सलाद बनाकर रोज खाने से शरीर में फाइबर की कमी दूर होती है और पाचन शक्ति भी मजबूत होती है। इससे गैस की समस्या ठीक होती है। एसिडिटी की समस्या दूर करने के लिए फाइबर युक्त भोजन जरूर करें। जैसे कि मैं आपको वीडियो के शुरू में ही बता चुकी थी कि मैं आपको लास्ट में 3 बोनस टिप्स के बारे में बताऊंगी। तो पहला बोनस टिप्स ये है कि आप 24 घंटे में कम से कम 10 से 12 ग्लास जरूर पानी पिएं। पानी हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ये हमारी त्वचा को साफ करता है, ये ब्लड सर्कुलेशन में हमारी मदद करता है और पेट की भी सफाई करता है, जिससे हमें एसिडिटी नहीं होती है। सेकेंड बोनस टिप्स ये है कि आप सेब का जो सिरका होता है उसको पानी में मिलाकर जरूर पिएं। ये सिरका हमारे एसिडिटी में अच्छा हेल्प करता है और एसिडिटी को दूर करता है। थर्ड बोनस टिप्स ये है, बेकिंग सोडा और नींबू का रस पिएं, हींग में पानी मिलाकर पिएं। ये सारी ऐसी घरेलू नुस्खे हैं जो आपकी एसिडिटी आसानी से दूर कर सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।